चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। यह विषय चर्चा में इसलिए है कि कर्नाटक ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश के सबसे नवाचारी प्रमुख राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। इस इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स का पहला एडिशन अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। आइए अब देखते हैं कि इस इंडेक्स में राज्यों की स्थिति क्या रही। इस इंडेक्स में कर्नाटक ने 42.5 का स्कोर हासिल किया है। उसके बाद महाराष्ट्र 38 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और तमिलनाडु 37.91 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में बिहार 14.5 अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश 25.6 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय को अंतिम स्थान दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद चंडीगढ़ और दमन एवं दीव थे। इस इंडेक्स में लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स के उद्देश्य क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने वाले नवाचार के लिए सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग करता है। यह इंडेक्स देश के सभी राज्यों और प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों को उजागर करने, उनकी नवाचार नीतियों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाएगा। रैंकिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि राज्य नवाचार में सबक लेने में सक्षम बन सके। इस इंडेक्स के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, जिससे प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह इंडेक्स भारतीय राज्यों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए कार्य प्रणाली प्रदान करता है। इस इंडेक्स के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों और 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 व्यापक श्रेणियों, उत्पादन और शासन में स्थान दिया गया है। यह इंडेक्स रुझानों को दर्शाता है और विभिन्न कारकों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जो विभिन्न स्तरों, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर नवाचार का संचालन करते हैं। इसमें 2020 के ढांचे में 36 संकेतक शामिल हैं, जिनमें हार्ड डाटा के 32 संकेतक और 4 समग्र संकेतक शामिल हैं। इस सूचकांक ढांचे को सूचकांक, निर्माण और नवाचार के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद आकार दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि इस इंडेक्स को मापने के आधार क्या है। इसमें 5 समर्थक स्तंभ हैं। ये राज्य अर्थव्यवस्था के तत्वों को दर्शाते हैं, जो नवाचार परिवेश के लिए इनपुट के तौर पर कार्य करते हैं। इनमें मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान, बिजनेस एनवायरनमेंट, सुरक्षा और कानूनी परिवेश शामिल है। 2 प्रदर्शन स्तंभ में पिछले वर्ष के प्रदर्शन को दर्शाया गया है, जिसमें ज्ञान सृजन और ज्ञान प्रसार शामिल है। इसके प्रत्येक स्तंभ में प्रासंगिक संकेतक शामिल हैं, जिन्हें उनसे संबंधित स्तंभों का निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया है। ये संकेतक मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक दोनों पहलुओं को कवर करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस इंडेक्स की पृष्ठभूमि क्या है। इस इंडेक्स के दूसरे एडिशन का विमोचन देश को एक नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के प्रति केंद्र की सतत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अधिक मैट्रिक शुरू करके और भारतीय इनोवेशन इकोसिस्टम का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के माध्यम से पिछले वर्ष की कार्यप्रणाली पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट मापदंडों को बनाए रखते हुए
अनुसंधान और विकास पर खर्च किए गए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत जैसे नवाचार को मापने के लिए इस रूपरेखा को वैश्विक स्तर पर मान्य मापदंडों को शामिल करने के लिए हाल ही में अपडेट किया गया है। चलिए देखते हैं अब आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? विकल्प ए चंडीगढ़, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी पुडुचेरी, विकल्प डी गोवा। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।